हे गाइस, दिस इज रोहित भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोबाइल टॉक। तो गाइस, रियलमी 6 फाइनली मैंने परचेस कर चुका हूँ और मैंने ब्लू कलर पे परचेस कर चुका हूँ एंड इसी चैनल पे एक रिव्यू वाला वीडियोस ला चुका हूँ रियलमी 6 का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो गाइस, अगर आप भी सोच रहे हैं कि रियलमी 6 परचेस कर लूँ या कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं रियलमी 6 परचेस करने का, तो आपके लिए ये वीडियोस, क्योंकि गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी 6 का कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में एंड आपको डिटेल्स पे दिखाएंगे इसकी अच्छाई एंड बुराई दी। क्योंकि गाइस, मैं अगले 5 दिन से इस फोन को यूज कर रहा हूँ एंड मुझे कुछ अच्छाई दिख लगा एंड कुछ बुरा दिख लगा इस फोन का, तो वो आपको डिटेल्स पे आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए, आज का वीडियो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो गाइस, रियलमी 6 इस फोन का प्राइस आ गया 12,990 रुपये। तो इस फोन में जो प्रोज एंड कॉन्स है, तो पहले बात कर लेंगे प्रोज के बारे में। तो गाइस, इस फोन पे जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको मिलता है G90T, तो एक गेमिंग सीरीज का बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप खेलते हो कोई भी हेवी गेमिंग, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। एंड गाइस, मैंने यहाँ पर पबजी टेस्ट किया है इस मॉडल से, तो वो वीडियोज़ भी बहुत ही जल्द आएगा इस चैनल पर। तो मैंने बहुत सारा पबजी खेला था रियलमी के पहले मोबाइल पर, X2 पर भी खेला था, लेकिन रियलमी 6 में कुछ अलग सा चल रहा है। यहाँ पर मैंने पबजी खेला तो लैग होने का तो एकदम चांसेस नहीं है एंड बहुत ही स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पर तो रियलमी कहा गया कि 90Hz का डिस्प्ले है एंड स्मूथ डिस्प्ले। तो यहाँ पर टच सेंसिटिविटी बहुत ही इंप्रूव किया गया है रियलमी 6 पे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड गाइस, इस फोन की प्राइस सेगमेंट पे आपको जो कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा 48 मेगापिक्सल का, यहाँ पर सैमसंग का सेंसर यूज़ किया गया है, यानी यहाँ पर जो अगर पिक्चर क्लिक करते हो तो आपको आउटस्टैंडिंग फोटोज क्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड गाइस, जो नाइट मोड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा वो तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ पर जो डायनामिक रेंज है वहाँ पर भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा कैमरा क्वालिटी का। एंड गाइस, बात करते हैं इस प्राइस सेगमेंट के फ़ोन पे रियलमी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है 30W का इनबॉक्स चार्जर। आप लोगों ने 18W चार्जिंग देखा था, लेकिन रियलमी इस टाइम इस बजट सेगमेंट के फ़ोन पे यानी 13,000 का फ़ोन पे 30W फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। एंड रियलमी बता रहा है कि आप इस फ़ोन को 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। 18W चार्जर पे करीबन आपको चार्ज होने में 1 घंटा या 1.5 घंटा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर रियलमी कह रहा है कि 1 घंटे पे चार्ज हो जाएगा, तो ये भी रियलमी 6 पे काफ़ी अच्छा फीचर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड गाइस, बात करते हैं ओवरऑल रियलमी 6, तो इस प्राइस सेगमेंट में जो रियलमी फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है काफ़ी अच्छा ही है। एंड गाइस, कॉन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस फोन में मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉन्स देखने को मिला। तो गाइस, मुझे जो पहला कॉन्स मिला मैं आपको बता देता हूँ, G92 जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया जा रहा है एक 12 नैनोमीटर प्रोसेसर है, तो यहाँ पर पावर कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है एंड हीटिंग का इशू थोड़ा रहता है। तो मैंने पबजी टेस्ट किया था, वहां पर हीटिंग नहीं हुआ था, तो हीटिंग का थोड़ा चांसेस रहता है इस प्रोसेसर पे। एंड G92 पे आपको जो नेबिक का सॉफ्टवेयर अभी रहता है, जो मैपिंग सॉफ्टवेयर है, वो नेबिक सॉफ्टवेयर इस G92 प्रोसेसर पे सपोर्टेड नहीं है। तो आप अगर रियलमी 6 परचेस करते हो और चाहते हो नेबिक सॉफ्टवेयर यूज करना, तो आप वो सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर पाओगे। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आप करते हो कोई भी मोबाइल फोटोग्राफी, तो अगर आप जी कैम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैं बता दूं इस G90T प्रोसेसर में कोई भी आपको कंपेटेबल गूगल कैमरा नहीं मिलेगा, यानी आपको जो इनबिल्ट कैमरा दिया जाएगा उसे आपको मोबाइल फोटोग्राफी करना पड़ेगा, तो ये भी आप मुझे कॉन्स लगा। एंड गाइस, बात करते हैं यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी, तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा रियलमी 6 पे, लेकिन यहाँ पर जो स्लो मोशन मोड प्रोवाइड किया जाएगा, तो स्लो मोशन मोड का जो फोटोज क्वालिटी यानी वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेकार सा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैंने शॉर्ट्स लिया है, आप देख सकते हो वीडियोस क्वालिटी है अटक अटक जा रहा है, तो यहाँ पर वीडियोस क्वालिटी को अच्छा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा स्लो मोशन मोड पे, तो ये भी एक कॉन्स का साइड रहा। एंड गाइस, बात करते हैं यहाँ पर इस प्राइस सेगमेंट की फ़ोन पे अभी भी रियलमी आपको प्रोवाइड कर रहा है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी। तो इस प्राइस सेगमेंट पे Xiaomi देखिए नोट 8 पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर आपको ग्लास बॉडी दोनों ही तरफ कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दे रहा है, लेकिन रियलमी 13,000 के फ़ोन पे आपको प्लास्टिक बॉडी ही प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा जो डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है ओल्ड डिज़ाइनिंग वर्टिकली शेप पे कैमरा नीचे की तरफ रियलमी का बैंडी, जो कि रियलमी 5 आई, रियलमी 5 एंड रियलमी 5 में आपको मिल चुका है, तो सेम ही डिज़ाइनिंग यहाँ पर सब कलर का चेंज कर दिया एंड जो डिज़ाइनिंग सेम ही प्रोवाइड किया। लेकिन Xiaomi देखिए हर एक जो सीरीज ला रहा है, हर सीरीज में जो उसका डिज़ाइनिंग है चेंज कर रहा है। तो रियलमी नोट 8 पे आप देखे थे जो डिज़ाइन था इस रियलमी 5S की तरह, लेकिन रेडमी नोट 9 पे देखिए वो चेंजेस हो गया, या नोट 9 प्रो पे वो चेंजेस हो गया, स्क्वायर शेप पे आपको कैमरा मिला, लेकिन रियलमी 6
सेम डिजाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगा। एंड गाइस यहाँ पर जो बैटरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा 4300 mAh का, तो गाइस इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारा कंपनी या रियलमी प्रोवाइड किया था पहले 5000 mAh बैटरी। तो अगर गाइस आपको इस फोन में 4300 mAh का बैटरी मिलता है तो पावर कंज्यूम भी थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो बैटरी मुझे थोड़ा अगर इम्प्रूव करता तो और भी फोन बेहतर बन सकता था। 5000 बैटरी देने से फ़ोन का मोटाई ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर 4500 बैटरी देता तो शायद अच्छा होता। तो यही था कुछ कॉन्स। एंड गाइस बात करते हैं यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंट आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो गाइस साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर एक ओल्ड फीचर्स है जो कि पहले सैमसंग के मोबाइल पे मिल चुका था, एंड ये ओल्ड फीचर्स अभी मुझे कुछ खास नहीं लगा इस 2020 पे। तो अगर फ्रंट पे नहीं होता तो बैक साइड पे देता तो बहुत ही अच्छा होता। एंड गाइस जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये बहुत ही स्मूथली एंड बहुत ही फास्ट काम करता है, फिंगरप्रिंट बोलो या फेस लॉक बहुत ही ईजी तरह से एंड बहुत ही काम करता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस यही था कुछ प्रोज एंड कॉन्स रियलमी 6 के बारे में। तो गाइस आपका क्या ख्याल है रियलमी 6 के बारे में, तो मैं अपना ओपिनियन आपको बताया, तो आप क्या चाहते हैं रियलमी 6 का जो फीचर्स प्रोवाइड किया रियलमी वो ओवरऑल ठीक है या और भी फीचर्स प्रोवाइड करता तो आपका ये फोन अच्छा होता, तो प्लीज़ मुझे आपका ओपिनियन कमेंट में बताना मत भूलना। तो गाइस आज का इस छोटा सा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए रियलमी 6 के बारे में तो कमेंट में बताना मत भूलना। तो आज का छोटा सा वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।